गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम रिजनरेशन या पुनरुद्ध भवन के बारे में चर्चा करेंगे। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर बनाया मैंने। इसमें हम इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले परिचय, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजनरेशन, पुनरुद्ध भवन के लक्षण, टाइप ऑफ रिजनरेशन, पुनरुद्ध भवन के प्रकार, रिजनरेटिंग एबिलिटी सर्वे अमंग द एनिमल्स, विभिन्न विभिन्न प्राणियों के ग्रुपों में पाए जाने वाले रिजनरेशन एबिलिटी और मैकेनिज्म ऑफ रिजनरेशन, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया, एंड लास्ट में सिग्निफिकेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं पुनरुद्भवन का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ रिजनरेशन। रिजनरेशन एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। री मीन्स फर्दर और जनरेशन मीन्स फॉर्मेशन, यानी पुनः चीज का फॉर्मेशन बनना। एक बार तो भ्रूण अवस्था में चीज बन जाती है, उसके बाद में वयस्क में आते आते उसके बाद में अगर वयस्क में यानी कोई चीज डैमेज होती है या कोई अंग लॉस्ट हो जाता है तो उसको दोबारा से बनाया जाता है। तो इस दोबारा से बनने की प्रक्रिया को ही रिजनरेशन कहा जाता है या पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। अर्थात एक बार उत्पन्न हुए किसी जीव में पुनः उत्पादन की क्षमता का पाया जाना रिजनरेशन कहलाता है। जंतुओं के जीवन संघर्ष में उनके अंग क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। कुछ जीव में तो बिना ही जीवन व्यतीत करते हैं बिना इसके, लेकिन कुछ जीवों में अपनी दैहिक क्षति को पुनः प्राप्त करने की क्षमता पाई जाती है। इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। दूसरे शब्दों में पुनरुद्ध भवन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि पुनरुद्ध भवन वह प्रक्रिया है जिसमें क्षतिग्रस्त हुए या कटे हुए अंगों को पुनः प्राप्त किया जाता है। Regeneration is the process by which the damaged or lost part of the body or organism is restored or re-established. परिवर्तन की यह एक परिवर्तन की घटना है जो विकसित एवं कार्यात्मक जंतुओं में पाई जाती है। इसमें भ्रूण परिवर्तन की सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिकीय गतियां, संरचना का विकास, विभेदन, ऊति की वृद्धि आदि, ये सारी की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जो एक भ्रूण अवस्था के दौरान पाई जाती हैं। दोनों ही प्रक्रियाएं एपिजेनिक हैं, यानी एपिजेनेटिक हैं। इनमें जीन की अभिव्यक्ति भी होती है और जीन की प्रोग्रामिंग भी होती है, वही रिजनरेशन में भी और भ्रूण परिवर्तन में भी। भ्रूणी परिवर्तन से इस प्रकार बनने हैं कि इसमें निर्मित जो कोशिकाएं हैं वो टोटिपोटेंट नहीं होती, यानी पूर्ण शक्ति नहीं होती। पुनरुद्ध भवन जिस कार्यकीय वातावरण में होता है वो भ्रूणीय वातावरण से बिल्कुल भिन्न होता है। कैरेक्टर्स क्या है इसके? रिजनरेशन के कैरेक्टर्स इस प्रकार से हैं कि रिजनरेशन को हम एक रीअवेकनिंग ऑफ मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस कह सकते हैं, यानी कि प्रक्रिया अंगों को निर्माण की पुनर्जागरण की प्रक्रिया है होती है, जिसमें वो अंगों का निर्माण पुनर्जागृत हो जाता है। एक बार जो भ्रूण अवस्था में जागृत हुआ था उसके बाद में एक वयस्क अवस्था में पुनर्जागृत हो जाता है। पुनरुद्ध भवन की जो प्रक्रिया है वह एक बार विभेदित हुई कोशिकाओं को पुनः विभेदित करने की प्रक्रिया है, इसे मेटाप्लासिया कहते हैं। एक बार जो डिफरेंशिएटेड सेल होती हैं, उन डिफरेंशिएटेड सेल को डिडिफरेंशिएटेड करके रीडिफरेंशिएट करना, ये मेटाप्लासिया कहलाता है। ये प्रक्रिया दुर्घटना या क्षति के उपरांत ही प्रारंभ होती है, वैसे सामान्य अवस्था में नहीं होती है। भिन्न भिन्न संघ के जंतुओं में पुनरुद्ध भवन करने की क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। उच्चतर जंतुओं में आयु बढ़ने के साथ साथ पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता है वो भी कम होती जाती है। एक ही प्रजाति के जंतुओं में भी एक ही समय में पुनरुद्ध भवन करने की क्षमता अलग अलग अंगों में अलग अलग हो सकती है। टाइप ऑफ रिजनरेशन, रिजनरेशन के कितने प्रकार का होता है? रिजनरेशन एपिमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस, सुपर रिजनरेशन और हेटरोमॉर्फोसिस प्रकार का होता है, चार प्रकार का। ये टीएच मॉर्गन के अनुसार है। तो पहला है एपिमॉर्फोसिस या अभिरूपांतरण। इस प्रकार के पुनरुद्ध भवन में केवल क्षतिग्रस्त अंगों का पुनर्निर्माण होता है, अर्थात क्षतिग्रस्त भाग छोटा होता है जो अलग होकर के नष्ट हो जाता है। और जो जैसे कि रेप्टिलिया हैं, एम्फीबियन हैं, इन सदस्यों के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ कटने के बाद में वो दोबारा से नई नहीं बनती, बल्कि छिपकली नहीं बनती बल्कि पूंछ बन जाती है उसमें, तो उसे एपिमॉर्फोसिस कहते हैं। और एक होता है मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस का मतलब है कटे हुए छोटे भाग से पूरा एनिमल बन जाना, उसे मॉर्फोलेक्सिस कहा जाता है। ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा रिजनरेटिव एबिलिटी है, जैसे कि प्लेनेरिया और स्पंज है और हाइड्रा है, इनके अंदर मॉर्फोलेक्सिस की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी छोटे भाग से पूरा एनिमल का बन जाना, वो मॉर्फोलेक्सिस होता है। तीसरा है सुपर जनरेशन यानी अति पुनरुद्ध भवन। यह क्षतिग्रस्त अंगों के स्थान पर वही संरचना दोहरी या तीसरी बार उत्पन्न हो जाए तो उसे अति उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि सेलामेंडर के पैर में यदि चीरा लगा दें तो वह अतिरिक्त पैर का निर्माण हो जाता है, इसे सुपर रिजनरेशन कहते हैं। हेटरोमॉर्फोसिस
इस प्रकार के पुनरुद भवन में जब क्षतिग्रस्त अंग के स्थान पर कोई भिन्न संरचना प्राप्त हो जाए तो यह विषमांतरण अंग या हेट्रोमॉर्फोसिस कहलाता है। जैसे जो पॉलीन्यूरस है उसकी आंखों को पूर्णतः नष्ट कर देने पर उसके स्थान पर एंटीना निर्मित हो जाता है। यदि क्षति के समय आंख का थोड़ा सा क्षेत्र रह जाए तो फिर आंख ही निर्मित होगी, एंटीना नहीं बनेगा। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में पुनरुद भवन की क्षमता का सर्वे करें तो सर्वे में ये पाते हैं कि सबसे पहले प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक हम एक एक उसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में पुनरुद भवन की क्षमता तीव्र होती है। इसके केंद्रक युक्त भाग में ही पुनरुद भवन की क्षमता पाई जाती है। जिन प्रोटोजोआ में मैक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं उनमें रिजनरेटिव एबिलिटी ज्यादा पाई जाती है। पॉलीफेरा में स्पंजों में मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया, मॉर्फोलेक्सिस की क्रिया दोनों प्रकार की क्षमताएं पाई जाती है। अर्थात एक स्पंज के कई टुकड़े कर दिए जाएं तो प्रत्येक टुकड़ा एक नई स्पंज बना लेता है, और ये शर्त ये है कि उन टुकड़ों के अंदर पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म दोनों ही डर्म होनी चाहिए, दोनों ही लेयर होनी चाहिए, क्योंकि ये बाइलेयर्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं इसलिए दोनों ही परतों का होना आवश्यक होता है। यदि स्पंज की पृथक पृथक कोशिकाओं को कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों में रखें तो परस्पर संयोजित होकर के नया स्पंज बना लेती है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रमाणित हुआ। इन एनिमल्स के अंदर जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, एनिलिड है, स्टारफिश और ये इंसेक्ट और ये एम्फीबियन और ये रेप्टाइल, इनकी यहाँ पर ये लाल रंग की जो पट्टी है यहां से काट देने पर उनका शेष जो भाग है वह नया बन जाता है। ये पुनरुद भवन की क्षमता को बनाने का है। जैसे कि होल बॉडी का निर्माण हो सकता है प्लेनेरिया के अंदर, स्ट्रक्चर का निर्माण हो सकता है एम्फीबियन के अंदर, और इंटरनल ऑर्गन्स का निर्माण हो सकता है जैसे कि लीवर का, हार्ट का, इन स्ट्रक्चर का निर्माण हो सकता है, और टिश्यूज का निर्माण हो सकता है, एपिडर्मिस का हो सकता है, गट का, गट लाइनिंग का हो सकता है, गट लाइनिंग डैमेज होती रहती है और नई परत आती रहती है, और एपिडर्मिस है हमारी त्वचा भी जुड़ती रहती है और नई त्वचा आती रहती है, सेल्स है, सेल्स में न्यूरॉन्स और मसल सेल फाइबर है उनका रिजनरेशन इसमें अच्छे से पाया जाता है। सिलेंट्रेटा में अब्राहम टेम्बले ने हेड्रा पर एक प्रयोग किया कि रिजनरेशन में उसने अनेकों प्रयोग में ये पाया कि कई टुकड़े कर देने पर भी एक नया टुकड़ा हेड्रा बना लेता है। हेड्रा में पुनरुद भवन की क्षमता अंतरालिक कोशिकाओं के द्वारा होती है। हाइड्रा में इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि हाइड्रा के 1/279 भाग से एक नया हाइड्रा बन जाता है, यानी एक हाइड्रा को इतने भागों में पीस में कट कर दिया जाए कि इतने बारीक कोशिकाएं हों उसमें, हालांकि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हों, डिप्लोब्लास्टिक सेल्स पाई जाए तो हर जो पीस है वो नया हाइड्रा बनाने में सक्षम होता है। जैसे कि ये इसमें काट दिया, ये तीन टुकड़ों में काट गया और हर एक टुकड़े से नया हाइड्रा बन गया। इसको तीन टुकड़ों में यहाँ ब्रोक कर दिया, ब्रोक करने के बाद इससे भी नया हाइड्रा बना, इस भाग से भी नया हाइड्रा बना और नीचे वाली बेसल डिस्क से भी नया हाइड्रा बना और ये तीन हाइड्रा बन करके तैयार हो गए। प्लेटीएलमेंट्स की बात करें तो प्लेनेरिया में पुनरुद भवन की जो क्षमता है वो अद्भुत प्रकार की पाई जाती है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है। यह जंतु जगत में सबसे ज्यादा पुनरुद भवन की क्षमता अगर पाई जाती है तो वो प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के खंडों में ध्रुवता पाई जाती है। यह खंड के अग्रभाग से सदैव अग्रभाग और पश्चभाग से सदैव पश्चभाग ही बनता है। यदि प्लेनेरिया को उधर काटा जाए, यानी लॉन्गिट्यूडिनल काटा जाए, तो दो सिर वाला प्लेनेरिया बन जाता है। इसमें पुनरुद भवन की क्षमता प्रमोटर फैक्टर और इनविटर फैक्टर के से नियंत्रित होती है। जैसे कि एक प्लेनेरिया है, इसको तीन भागों में काट दिया तो तीन प्लेनेरिया बनकर तैयार हो गए। हर एक फ्रेगमेंट से एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। जैसे कि इसमें भी एक प्लेनेरिया को अगर लॉन्गिट्यूडिनल कट लगाया जाए तो उससे भी मल्टी हेडेड प्लेनेरिया बन जाता है, उसके कई सिरों वाला प्लेनेरिया बनकर तैयार हो जाता है कुछ समय में। उसके बाद एस्केल्मेंथीज की बात करें तो पुनरुद भवन की क्षमता इसमें अत्यल्प होती है, बहुत कम होती है, पुअर पावर ऑफ रिजनरेशन होती है। इसकी पुनरुद भवन की क्षमता केवल घाव भरने तक ही सीमित होती है। इसकी कमी के कारण उसके शरीर में कायिक कोशिकाओं का सीमित होना होता है, यानी एस्केरिस में जैसे नहीं पाई जाती। एनेलिडा में पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा के प्राणियों में पुनरुद भवन की क्षमता पाई जाती है, परंतु हिरुडिनिया के सदस्यों में पुनरुद भवन नहीं पाया जाता। दो खंडों में विभक्त करने पर भी अग्रखंड से पश्चखंड को रिस्टोर कर लेता है, लेकिन पश्चखंड अग्रखंड को रिस्टोर नहीं कर पाता एनेलिडा में। तो उसमें जैसे घाव बनता है, घाव भरने की क्षमता में एपिडर्मिस का निर्माण होता है, उससे नियोब्लास्ट सेल्स का निर्माण होता है, उससे ब्लास्टीमा का फॉर्मेशन होता है और ब्लास्टीमा फॉर्मेशन के बाद में नई जेनेटिक ऑर्गन का निर्माण हो जाता है। जैसे कि इसमें यह है एनेलिडा, एनेलिडा के इस भाग को कट कर देने पर इतने भाग नए बन जाते हैं। जैसे आगे से भाग को उसको इंटीरियर रीजन से उसको कट करने पर नया इंटीरियर पार्ट बन जाता है।
आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में पुनरुद्भवन की अल्प क्षमता पाई जाती है, यानी पुअर पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। क्रस्टेशियन में अपेंडिजेस का रीजनरेशन हो जाता है। मकड़ियों और केकड़ों में ऑटोटोमी पाई जाती है, यानी अपने आप ही अपनी पूंछ अपने टांग को तोड़ करके वो भाग जाते हैं शत्रु से बचने के लिए, और उस टांग को शत्रु खा जाता है, लेकिन वो अपना खुद का वो बॉडी है उसको बचा लेते हैं। वे अपनी टांगों को स्वयं ही पृथक करके और मां से भाग जाते हैं। तो ये इस प्रकार की एपिमॉर्फोसिस इनमें पाई जाती है। मोलस्का की बात करें तो इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत अल्प होती है। वृत्त युक्त आंखें, पाद यानी फुट और सिर का कुछ भाग ही निर्मित हो पाता है। ब्रेन गैंग्लियन शीर्ष पुनरुद्भवन की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेफेलोपोड्स में आर्म्स पुनः विकसित हो जाते हैं, जैसे सीपीआई या ऑक्टोपस है, उनकी आर्म एक आर्म को काट देने पर दूसरी आर्म पुनः रिजनरेट हो जाती है। एकाइंटरमेटा की बात करें तो उसमें तुलनात्मक रूप से पुनरुद्भवन की क्षमता ज्यादा होती है। तारा मछली की कटी हुई भुजाएं केंद्रीय डिस्क में पुनः प्राप्त हो जाती है। प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि तारा मछली की एक भुजा के साथ केंद्रीय डिस्क का पांचवां अंश भी पुनरुद्भवन के संपूर्ण प्राणी का निर्माण कर सकता है। कुछ प्राणियों में तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पुनरुद्भवन से ही संपन्न होती है, जैसे समुद्री खीरा में पुनरुद्भवन द्वारा कुवीर की नालों के से उनका नालों का निर्माण हो जाता है। फिश की बात करें तो मछलियों में पुनरुद्भवन की क्षमता सीमित होती है। यदि मछलियों के फिन को क्षतिग्रस्त हो जाए तो वे पुनः आ जाते हैं, लेकिन कॉडल फिन के स्थान पर रिजनरेट नहीं कर सकती, कॉडल फिन में रिजनरेशन नहीं होता। जैसे तारा मछली है, तारा मछली की भुजा काट दिया गया तो पुनः उसकी भुजा वापस प्राप्त हो जाती है। एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया में यूरोडेला के सदस्यों में तो सेलामेंडर या न्यूट्स हैं, उनकी टांग अगर टांग को काट देने पर नई टांग आ जाती है, रिजनरेट हो जाती है। एन्यूरा में ये एडल्ट की अपेक्षा कर टैडपोल में ज्यादा पाई जाती है। एन्यूरेंस में सेलामेंडर और न्यूट्स की टांग में कट लगा देने पर वहां डबल टांग या डबल लिंब उत्पन्न हो जाता है। इसे अति पुनरुद्भवन या हाइपर रिजनरेशन की क्रिया कहते हैं, सुपर रिजनरेशन कहते हैं। यदि पूर्ण मेखला निकाल दी जाए तो इस मेखला का पुनरुद्भवन, मेखला सहित टांग को निकाल देने पर फिर टांग नहीं बनती है। मेखला रिजनरेशन के लिए मेखला का पाया जाना या गर्डिल का रहना जरूरी होता है, तभी टांग का निर्माण या पुनरुद्भवन हो पाता है। रेप्टिलिया की बात करें तो रेप्टिलिया के अंदर उनकी पूंछ, जैसे छिपकली है अपनी पूंछ को रिजनरेट कर सकती है, उसमें ऑटोटोमी भी पाई जाती है, अपनी पूंछ को अपने आप ही तोड़ करके भाग जाती है। उसकी टांग में भी रिजनरेशन अगर लेबोरेटरी के अंदर अगर कराया जाए तो कुछ जो है ना इनविट्रो कराया जाए तो उसमें रिजनरेशन बन सकता है। जनरली उनमें टांग में रिजनरेशन नहीं पाया जाता है, पूंछ में ही पाया जाता है छिपकलियों के अंदर। बर्ड्स में और मैमल्स में बहुत कम क्षमता पाई जाती है। बर्ड्स में जो चोंच है और पंख है उनके अंदर ही पुनरुद्भवन पाया जाता है। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की में पुनरुद्भवन क्षमता बहुत कम होती है, केवल घाव भरने तक ही सीमित होती है। अस्थियों और कंडरों में पुनरुद्भवन की क्षमता थोड़ी होती है, अर्थात हड्डियां टूट जाती हैं, टूट फूट की मरम्मत करने पर अपने आप वो रिजनरेट हो जाती हैं, दोबारा से मरम्मत कर लेती हैं। यदि यकृत का कुछ भाग काट दें तो शेष कोशिकाएं यकृत को पूर्ण बना लेती हैं, ये यकृत में पाई जाती है पुनरुद्भवन क्षमता है। मानव में एक वृक को डैमेज कर दें तो दूसरा वृक उसकी कमी को पूर्ति कर लेता है, यानी उसकी काम को भी और अपने काम को भी वो पूर्ण कर लेता है। इस प्रक्रिया को कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ये केवल वृक के क्षेत्र में भी, वृक के उदाहरण में ही पाई जाती है। मानव में नाखून और बालों तक ही पुनरुद्भवन क्षमता सीमित होती है, जैसे कि इसमें हड्डी को काट देने पर हड्डी रिजनरेट नहीं हो पाती। अब मैकेनिज्म की बात करें कि इसमें प्रक्रिया क्या होती है रिजनरेशन में। पुनरुद्भवन की क्रियाविधि को समझने के लिए सेलामेंडर न्यूट पर किए गए प्रयोगों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि सेलामेंडर न्यूट्स का एक फोर लिम काट देने पर वह पुनः आ जाता है, गर्डिल्स या मेखला को निकाल देने पर वह नहीं आता। पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में होकर गुजरती है, घाव भरने की प्रक्रिया, प्रमुकुलन यानी ब्लास्टिमा फॉर्मेशन की प्रक्रिया, डिडिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया और रीडिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया। सबसे पहले घाव भरने की या प्री ब्लास्टिमा स्टेज के समय से सेलामेंडर न्यूट का अग्रपाद काट देने पर घाव बन जाता है, घाव के भीतर की कोशिका और ऊतक सतह पर आ जाते हैं, यहां आकर के कुछ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं क्योंकि यहां का वातावरण प्रतिकूल होता है। इस प्रकार घाव की सतह इन पर मृत कोशिकाओं से भर जाती है, क्षतिग्रस्त जो रक्त वाहिनियां हैं उनसे रक्त का स्राव होता है, जारी रहता है और रक्त उसके ऊपर आकर के घाव के ऊपर आकर के और फैल जाता है और वहां स्कंदित हो जाता है। स्कंदित होने के बाद वहां घाव बन जाता है, घाव के ऊतकों का बाह्य वातावरण से संपर्क टूट जाता है और फिर घाव के किनारों पर जो त्वचीय उपकला है वह फेल, वह त्वचीय उपकला है वो फेल हो जाती है और
रिजनरेट करने में फेल रहती है, उनकी वो उसकी कोशिकाएं माइग्रेट करके उसके पास में एपिडर्मल टिश्यू में आ जाती हैं। रक्त के तक्के के नीचे संयोजी ऊतक एक मध्य परत का निर्माण कर लेते हैं। घाव की सतह को उपकला के आवरण द्वारा ढक लिया जाता है। घाव पर उपकला का आवरण बनने के पश्चात एपिडर्मल सेल्स माइग्रेट करती हैं और इनकी माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप घाव की सतह टोपी के आकार की बन जाती है और इस क्रिया को कोन स्टेज कहते हैं। जैसे कि ये इसमें ये कोन शेप है, कोन शेप धीरे धीरे बढ़ करके और ये कई स्टेजों से गुजरते हुए ब्लास्टिमा से फिर नया पाद बन जाता है। इसमें ये एम्प्यूटेशन ये समझाया गया है कि एपिडर्मिस डर्मिस कार्टिलेज और मसल्स और ये सारी चीजें हैं। इसमें एम्प्यूटेशन हुआ यानी कट लगाया, कट लगाने के बाद में हीलिंग हुई यानी बाउंड एपिथेलियम कोशिकाएं उसके ऊपर फैल गई। उसके बाद ब्लास्टिमा स्टेज हुई, ठूंठ के आकार की या कोन शेप स्टेज आई। कोन से स्टेज आने के बाद में इसमें फिर पैलेट स्टेज आई यानी वो बढ़ गया आकार में। आकार में बढ़ने के बाद में यहाँ रीडिफ्रेंशिएशन चालू हुआ और फिर ये नॉच स्टेज बन गई। नॉच स्टेज से फिर डिजिट्स बन गई और ये कंप्लीट लिम्ब का निर्माण हो गया। तो ये सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ रीजनरेशन इन ए न्यूट्स है। इस प्रकार 24 घंटे के भीतर घाव मोटी उपकला के द्वारा ढक जाती है और मूल एपिडर्मिस से मोटी हो जाती है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है ब्लास्टिमा फॉर्मेशन। घाव पर निर्मित उपकला के नीचे जो कोशिकाएं हैं वो एकत्रित होना आरंभ हो जाती हैं। उपकला वातावरण उपकला आवरण जो है वो इन कोशिकाओं का समूह यानी ब्लास्टिमा जिसे प्रमुकुलन कहते हैं वो कहलाता है। इस प्रमुकुलन को या रीजनरेटिंग बड को पाद गलिका से संबंधित सभी लक्षण पाए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक संरचना का निर्माण वृद्धि और विभेदन की क्षमता होती है। एपिडर्मल कोशिकाएं लगातार शीर्ष भाग में प्रवेश करके एकत्रित होती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं आगे तरफ। इस प्रकार उपकला या मेसेनकाइम कोशिकाएं अंतरक्रिया तंत्र को के द्वारा निर्मित हो जाती हैं। यह तंत्र पाद गलिका के समान हो जाता है धीरे धीरे। उसके बाद में तीसरी स्टेज आती है निर्विभेदन या डी डिफ्रेंशिएशन फेज। ब्लास्टिमा में उपस्थित जो मेसेनकाइमल कोशिकाएं हैं उनका समूह निर्विभेद होता है, डी डिफ्रेंशिएट होकर के निर्मित होता है। विभेदन की क्रिया तंत्रिका और रक्तवाहिनियों को छोड़कर के सभी में पाई जाती है। यह क्रिया अधिकांशतः डर्मिस और संयोजी ऊतक में, मांसपेशी कोशिकाओं में, उपास्थि में या अस्थियों में पाई जाती है। हिस्टोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि उन कोशिकाओं को WBC नष्ट कर देती है। मैक्रोफेज जो है वो उनको खा करके नष्ट कर देती है। घाव के स्थल पर विभेदित कोशिकाओं में विभेदन हो जाता है। उसके बाद में रीडिफ्रेंशिएशन या पुनर्विभेदन की क्षमता की क्रिया होती है। ब्लास्टिमा एक निश्चित अवस्था पर पहुंच जाती है तो निर्विभेदन या रीडिफ्रेंशिएशन की क्रिया रुक जाती है और फिर ब्लास्टिमा में वृद्धि अवस्था में पहुंचती है। यह पुनर्विभेदित होकर के क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों का निर्माण करती है। पुनर्विभेदन की दर जो रेट ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन है वह ताप और प्राणी के आकार और घाव के आकार और आयु पर निर्भर करता है, उसके अनुसार ही ये होती है। अलग अलग प्रजातियों में इसकी दर भी अलग अलग होती है। इसमें दो क्रियाएं होती है, मेटाप्लासिया यानी पुनर्विभेदन में कोशिकाएं अपनी उत्पत्ति से भिन्न संरचना में परिवर्तित हो जाएं तो उसे मेटाप्लासिया कहते हैं, जैसे कि अस्थिल कोशिकाओं का उपास्थिल कोशिकाओं में परिवर्तित होना। मॉड्यूलेशन यानी पुनर्विभेदन के दौरान कोशिकाएं अपनी उत्पत्ति वाली कोशिकाओं से ही विभेदित हो जाएं तो यह मॉड्यूलेशन कहलाता है। पुनर्विभेदन के दौरान संरचना का विकास प्रारंभ हो जाता है तो इस प्रक्रिया में ब्लास्टिमा की कोशिकाएं तीव्रता से वृद्धि करती हैं। अति शीघ्र ब्लास्टिमा एक शंकु की आकृति ले लेता है जिसे शंकु अवस्था कहते हैं। शंकु अवस्था एम्प्यूटेशन या अंगोच्छेदन के 20 दिन बाद आती है। शंकु अवस्था के 4-5 दिन बाद में कोन चपटा हो जाता है और पतवार या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हैंड प्लेट या फुट प्लेट कहते हैं। पतवार अवस्था में 5 या 10 दिन के बाद में इसके दूरस्थ सिरों पर उंगलियों का निर्माण हो जाता है और उसे नोच स्टेज कहते हैं। इसमें आंतरिक स्तर पर ऊतक विभेदन प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय बाद में पूरे पैर का निर्माण हो जाता है। कुछ तंत्रिकाएं बनती हैं। तंत्रिकाओं पुनरुद्भवन में तंत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ब्लास्टिमा निर्माण में तंत्रिकाएं तंत्रिकाओं पर निर्भरता किसी एक तंत्रिका पर ना होकर के एक समान सब में बराबर होती है। ब्लास्टिमा निर्माण के समय तंत्रिकाओं में न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स स्रावित होते हैं। यदि वयस्क अवस्था में विच्छेदन के द्वारा तंत्रिकाएं निकाल दी जाए तो पुनरुद्भवन नहीं होता है, लेकिन यदि किसी तंत्रिका का निर्माण भ्रूणावस्था में ही नहीं हो तो बिना तंत्रिका के पुनरुद्भवन नहीं हो सकता। यदि एम्प्यूटेशन के तुरंत बाद तंत्रिका को काट दिया जाए तो ब्लास्टिमा का निर्माण नहीं होगा। यदि ब्लास्टिमा के बाद तंत्रिका को हटा दिया जाए तो पुनरुद्भवन होता रहता है। यदि सलामेंडर के मेरुरज्जु को नष्ट कर दें तो पुनरुद्भवन नहीं होता। तंत्रिकाओं के पैरालाइज कर दिया जाए तो भी पुनरुद्भवन नहीं होता। अब इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, मैकेनिज्म क्या है, फिजियोलॉजी क्या है? पुनरुद्भवन की जो कार्यकी है उसको दो चरणों में बांट सकते हैं, एक तो उपापचयी अपचयी क्रियाएं और एक
उपचय क्रियाएं। अपचय यानी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसमें पदार्थों का निर्माण होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, वो डिसइंटीग्रेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है या अपलयन होता है, ऐसी क्रियाओं को अपचयी क्रियाएं कहते हैं। ब्लास्टिमा के निर्माण में अनेकों विखंडनात्मक क्रियाएं होती हैं जो कि कोशिकाओं और ऊतकों में विभेदन के कारण होती हैं। इस समय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, इस समय स्वतंत्र अमीनो एसिडों की संख्या दुगुनी हो जाती है और प्रोटीन में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पुनरुद्भवन की क्षमता में आरक्यू जो रेस्पिरेटरी कोशिएंट है वह अपूर्ण ऑक्सीजन के कारण कम हो जाता है। ब्लास्टिमा निर्माण में पूर्व लैक्टिक एसिड मात्रा बढ़ जाती है। पुनर्विभेदन के दौरान लैक्टिक एसिड और श्वसन नियतांक है उनके मान धीरे धीरे सामान्य होने लगते हैं। उपचय क्रियाओं में पीएच सामान्य हो जाती है, आरक्यू का मान बढ़ जाता है, लैक्टिक अम्ल में एसएच समूह है उसकी मात्रा कम हो जाती है, साथ ही पुनरुद्भवन और कोशिका द्रव्य आरएनए के मध्य एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। ब्लास्टिमा निर्माण के समय साइटोप्लाज्मिक आरएनए की मात्रा बढ़ जाती है, पुनर्विभेदन के दौरान आरएनए की मात्रा पुनः कम हो जाती है। पुनर्विभेदन के समय पोटेशियम आयन की मात्रा काफी अत्यधिक मात्रा में निर्मुक्त होते हैं और सोडियम आयन और कैल्शियम क्लोराइड आयन अल्प मात्रा में निर्मुक्त होते हैं। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ऊतकों के द्वारा संरक्षित रहते हैं। ये सभी परिवर्तन एंटीरियर पिट्यूटरी एड्रिनल और थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल में रहते हैं। अब लास्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग रिजनरेशन, पुनरुद्भवन को प्रभावित करने वाले कारक। पुनरुद्भवन की क्रिया को अनेकों आंतरिक और बाह्य कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। यदि अंगोच्छेदन के पश्चात विटामिन ए की अलग अलग सांद्रता दी जाए तो ब्लास्टिमा को उपचारित किया जाए तो उसमें पुनरुद्भवन की दर अलग अलग होती है, विटामिन ए से पुनरुद्भवन की दर बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक करंट से पुनरुद्भवन की दर बढ़ जाती है कोई एक सीमा तक, और ज्यादा अगर दे दे तो फिर कम हो जाती है। ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने पर भी जो है सिलेंड्रेटा के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता बढ़ जाती है। फूड के अभाव में पुनरुद्भवन तो होता है लेकिन अंगों का आकार छोटा हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर पुनरुद्भवन की क्षमता बढ़ जाती है लेकिन एक लिमिट तक, उससे ज्यादा लिमिट तक अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पुनरुद्भवन की क्षमता कोलैप्स हो जाती है। ये रिजनरेशन को अफेक्ट करने वाले कारक हैं, न्यूरॉन्स, विटामिन ए, इलेक्ट्रिक करंट, ऑक्सीजन, फूड, एक्सरेज, टेम्परेचर, न्यूरॉन्स, ये सारे रिजनरेशन की क्षमता या पुनरुद्भवन की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक्सरेज हैं, एक्सरेज में ये पाया गया कि यूरिडेला के सदस्यों में पुनः पुनर्भवन को रोका जा सकता है यदि एक्सरे की उचित मात्रा में प्राणी में से होकर के गुजार दी जाए तो कोशिकाओं के विभाजन अवमंदित हो जाते हैं, पुनरुद्भवन का मुख्य आधार होता है। यदि संपूर्ण प्राणी में एक्सरे गुजार दी जाए तो अंगोच्छेदन के बाद पुनरुद्भवन नहीं होता। यदि केवल बाद में एक्सरे ट्रीटमेंट करने पर उसी बाद में पुनरुद्भवन नहीं होता। यदि प्लेनेरिया संपूर्ण प्राणी में एक्सरे गुजारी जाए तो उसमें पुनरुद्भवन नहीं हो पाता, उसमें पुनरुद्भव उस क्षेत्र में पुनरुद्भवन नहीं हो पाता, बाकी में होता है। नर्व्स या ब्लास्टिमा निर्माण के समय तंत्रिकाओं में न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स का स्रावित होना एक इंपॉर्टेंट बात है और यदि तंत्रिकाओं को अपंग पैरालाइज कर दिया जाए तो पुनरुद्भवन नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट पुनरुद्भवन। थैंक यू।